वेलकम फ्रेंड्स टू अनदर वीडियो ऑफ ऑटोमोबाइल ज्ञान। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ गाड़ी की हैंड ब्रेक के बारे में। होता क्या है फ्रेंड्स, कुछ टाइम लगभग 10-20 हज़ार किलोमीटर के बाद आपको फील होगा कि आपकी गाड़ी की हैंड ब्रेक कम इफेक्ट डाल रही है, मतलब आप हैंड ब्रेक थोड़ी सी एंगेज करते हैं तो इतने अच्छे से एंगेज नहीं होती। सेकेंडली, अगर आपकी गाड़ी थोड़ी सी हैंड ब्रेक लगी पे चल जाए काफ़ी किलोमीटर्स तो भी लेदर्स घिस जाते हैं। तो जो हमारी नॉर्मल पेडल ब्रेक है उसमें हमें इतना इफेक्ट देखने को नहीं मिलता क्योंकि वो ब्रेक ऑयल प्रेशर के थ्रू काम करती है। जो नॉर्मल मैं मोस्टली गाड़ियों की बात करूं तो फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स मिलती हैं और रियर में ड्रम ब्रेक मिलती हैं। तो पिछले ड्रम ब्रेक्स के जो लेदर होते हैं उनमें डबल मैकेनिज्म लगा होता है, एक तो पिस्टन जो हमारी पेडल ब्रेक से एक्टिवेट होता है एंड सेकेंडली वायर लगी होती है जो हैंड ब्रेक से एक्टिवेट होती है। तो फ्रेंड्स ये जो हैंड ब्रेक मेरी गाड़ी की है ये थोड़ी सी लूज़ हो गई थी, तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे आप खुद इसे घर पे ही टाइट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ मैकेनिक के पास जाने के, क्योंकि मेरी जो मोस्टली वीडियोस होती हैं वो एम करती हैं कि आपकी गाड़ी की मेंटेनेंस कम से कम रहे। तो फ्रेंड्स इसके लिए सबसे पहले आपको 2 स्क्रू अनलॉक करने हैं। ऑल्टो के अंदर मैं बता रहा हूँ, आपके वाले में भी जो भी हैंड ब्रेक के ऊपर प्लास्टिक का कवर लगाओ उसके लॉक्स आप देख लीजिए, 2 से 3 स्क्रू होंगे और ये खुल जाएगा। अब आप वीडियो में देख सकते हैं जो स्क्रू मैं टाइट कर रहा हूँ प्लायर से, प्लास से जो मैं स्क्रू टाइट कर रहा हूँ वो एक्चुअली हैंड ब्रेक की वायर का ही स्क्रू है। जैसे हम स्कूटी बाइक्स में नट को टाइट करके स्क्रू करके ब्रेक टाइट करते हैं, वैसे ये वायर ही है जो अटैच्ड है इस सेंटर वाली पार्ट से। ये क्या करता है फ्रेंड्स, इसमें 2 वायर्स आ रही हैं पीछे से और ये इक्वली इनको पुल करता है ताकि दोनों टायर्स में इक्वल हैंड ब्रेक एंगेज हो। अब इस गाड़ी के केस में क्या है कि लेफ्ट साइड की जो वायर है वो जैम्ड है, तो ये जब मैं इस हैंड ब्रेक को एंगेज कर रहा हूँ तो ये सिर्फ राइट साइड से पुल हो रहा है, आगे जा रहा है और अनइवन बैलेंस्ड नहीं रह रहा, अनइवन शेप में आगे जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये आप चेक कर लीजिएगा, इससे आपको ये भी वेरीफाई हो जाएगा कि आपकी गाड़ी की हैंड ब्रेक की वायर्स बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है। और यहाँ पे जब भी आप इसे खोलें तो थोड़ा सा ग्रीसिंग कर दें, अगर आपके पास अवेलेबल है तो ऑयलिंग भी कर सकते हैं ताकि थोड़ी आपकी हैंड ब्रेक स्मूथली एक्टिवेट होने लग जाएगी। एज वेल एज जब आप इस नट को टाइट कर देंगे तो आपकी गाड़ी की हैंड ब्रेक भी टाइट हो जाएगी और ये काफ़ी कम पुल करने पर अच्छी तरह से एंगेज होना स्टार्ट कर देगी। फ्रेंड्स आपको अपनी गाड़ी की हैंड ब्रेक टाइट करने के लिए कोई एक्स्ट्रा टूल्स की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक प्लास चाहिए और एक प्लस के मुंह वाला स्क्रू ड्राइवर। नोट करने वाली बात यह है कि जब आप इसको वापस लगाएंगे तो ये कुछ क्लिप्स हैं जिन्हें हम जो मेटल एक्सपोज होता है उसके अंदर लगाएंगे और इन्हीं के अंदर ही स्क्रू टाइट होते हैं, तो इनका ज़रूर ध्यान रखिएगा। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल के सपोर्ट के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बहुत मोटिवेशन मिलती है। Thank you so much for watching.